Hi, welcome to Best IAS. Myself, I'm Ratnabhushan. It is our new initiation for CAP, that is Current Affairs Program, which will benefit you and helpful for IAS, PCS and major competitive exams. My main purpose is to work for students and update their knowledge and help them to reach their goal. It will cover daily news of national and international. It is today, 3rd November 2016. मैं एक बात और आप लोगों को बताना Current Affairs का मेरा प्रोग्राम है, ये केवल स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं है. ये हर व्यक्ति हर वर्ग के लिए जरूरी है, क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. और आपके मानसिक डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, आपके परिवार के डेवलपमेंट के लिए, ये सबके लिए ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई दिस इज माई न्यू इनिशिएशन विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो द टुडेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर, भारत ने पाक से 8 राजनयिक बुलाए, जासूसी में लिप्त पाकिस्तानी उच्चायोग के 6 अधिकारी लौटे. भारत और पाकिस्तान के बीच बेहद खराब हो चले कूटनीतिक रिश्ते लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं. कुछ रोज पहले ही भारत ने नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग से चलाए गए एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ किया था. बुधवार को दोनों देशों ने अपने उच्चायोग से कई अफसरों को वापस बुला लिया, लिहाजा भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से आठ उच्चायोग से 6 अधिकारियों को भी वापस बुला लिया. पाकिस्तान की गोलीबारी अभी भी चल रही है. सीमा पर भारी गोलाबारी कर 8 लोगों की जान लेने के बाद पाकिस्तान ने बुधवार को दूसरे दिन भी पुछ और राजौरी में LOC पर भारतीय सैन्य चौकियों व रिहायशी क्षेत्रों पर जमकर मोर्टर दागे. तो ये अभी पाकिस्तान का कर्तव्य चल रहा है, देखते कब तक चलता है ये. नेक्स्ट न्यूज है, जर्मनी में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन चली. एक बहुत बड़ी न्यूज है. आज हम लोग अभी आपको मैं इसी न्यूज में बताऊंगा कि भारत में हम लोग इलेक्ट्रिक से मैक्सिमम ट्रेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जर्मनी में अब हाइड्रोजन से ट्रेनें चलने लगी हैं. जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन कोराडी आइलिंट चलाई गई. इसे जर्मनी की 4000 डीजल ट्रेनों का विकल्प बनाने की तैयारी हो रही है. और सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की ये है कि शून्य उत्सर्जन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना के बराबर निकलता है. और ट्रेन चलने के दौरान इसमें सिर्फ भाप बाहर आती है, यानी इससे शून्य वायु प्रदूषण होता है. ट्रेन का निर्माण फ्रांस की कंपनी अल्स्टाम ने किया. एक बार कंपनी का नाम लूंगा मैं, अल्स्टाम ने किया. इस ट्रेन का परीक्षण सफल रहता है तो जल्द ही 14 और ट्रेनें चलाई जाएंगी. इस ट्रेन का परीक्षण इस साल के अंत तक किया जाएगा और अगले साल के अंत तक यह यात्रियों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगी. आइलिंट में लिथियम आयन बैटरी लगी होती है और ये छत पर हाइड्रोजन ईंधन टैंक लगे होते हैं. इसकी जो रफ्तार होगी लगभग 140 किलोमीटर होगी और 2017 दिसंबर में यात्री इसे सफर कर सकेंगे. 3 देश में नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क भी यह ट्रेन चलाएंगे. तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. नेक्स्ट न्यूज है जो आपकी सुरक्षा से लेकर के है. हेलमेट से 80% तक कम हो जाते हैं हादसे में चोट लगने के खतरे. अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है या है तो ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. आमतौर पे लोग देखते हैं सस्ता हेलमेट कौन सा है, जो सस्ता हो खरीद लिया जाए. तो हेलमेट का भी चयन करें, सिर के हिसाब से करें. हेलमेट का आकार ऐसा हो जो आपके सर पे फिट हो जाए, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए फिट हो जाए बाद में निकल जाए. पूरा चेहरा ढका हो. अच्छा हेलमेट वही होता है जो सिर पर पूरे चेहरे पर ढका रहता है. बांधने की जो स्ट्रिप होती है, स्ट्रैप की पकड़ होती है, वो मजबूत होनी चाहिए. ये नहीं कि पुलिस दिखा तो हमने हेलमेट के ऊपर लगा लिया, सर के ऊपर लगा लिया और कुछ देर बाद मैंने उसको हटा दिया. तो ये इसकी चिंता आप मत करिए, कृपया अपने सर का ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके जिंदगी को बर्बाद कर सकती है. नेक्स्ट न्यूज है, रेलवे का सारा जोर अब इलेक्ट्रिक ट्रेनों पर. पर्यावरण सुधार के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए रेलवे ने अगले 3 साल में विद्युतीकरण की रफ्तार को 4 गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके लिए सार्वजनिक उपक्रमों की मदद ली जाएगी. कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा. राजधानी के में गुरुवार को एक मीटिंग हुई और फिलहाल केवल 28,000 किलोमीटर रेल लाइन ही विद्युतकृत है. तकरीबन 2/3 मालगाड़ियां और आधी ट्रेनें बिजली से चलती हैं, बाकी डीजल से चलती हैं. तो इसे बदलने का निश्चय लिया गया है और इस साल होगा कि 500 मेगावाट सौर और 500 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा.
स्मार्टफोन के मुकाबले कार में 20 गुना ज्यादा बैटरी। मैं आपको ये न्यूज के तरीके से नहीं बता रहा हूँ, आपके हेल्थ के कॉन्शियस के, आप इतना हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहो। अपनी कार को अंदर से अच्छे तरीके से सफाई करके रखो, कार का सफर आपको बीमार बना सकती है। एक अध्ययन में दावा दिया किया गया है कार स्मार्टफोन से 20 गुना ज्यादा खतरनाक और गंदा होता है। गंदगी के कारण कार में पनपने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से कई तरह के संक्रमण होने का खतरा हो जाता है। तो अपने कार को जरा अच्छे तरीके से, जिस तरह अपने कपड़े का भी ध्यान रखते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने प्यार प्यार से अपनी कार का भी ध्यान रखें। द नेक्स्ट न्यूज आर ग्रीन फॉर्म्स एंड क्लीन एयर। द मैसिव पॉल्यूशन क्लाउड एनवेलपिंग नॉर्दर्न इंडिया एवरी ईयर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डिसकनेक्ट बिटवीन ऑफिशियल पॉलिसी एंड ग्रूड रियलिटीज। इट हैज बीन नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट बर्निंग अप एग्रीकल्चरल वेस्ट इन द नॉर्दर्न स्टेट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट्स टू द पुअर एयर क्वालिटी इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक बेसिन विद अ लोकल एंड कैस्केडिंग इफेक्ट फेल्ट फ्रॉम द पंजाब ऑल द वे टू वेस्ट बंगाल। हार्मफुल फाइन पार्टिकल मैटर मेजरिंग 2.5 mm इन डायमीटर इज अमंग द पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड। द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वेस्ट इज 500 मिलियन टन्स एवरी ईयर विद उत्तर प्रदेश पंजाब वेस्ट बंगाल टॉपिंग एट द लिस्ट। सो आई एम टेलिंग यू, जितना हम लोग वेस्ट बर्बाद करते हैं एग्रीकल्चर का, उससे तीन स्टेट बहुत इफेक्टेड हो रहे हैं। वन इज उत्तर प्रदेश, सेकेंड इज पंजाब एंड थर्ड इज बंगाल। अगेन 80% ऑफ द स्ट्रॉ फ्रॉम द पैडी इज बर्न इन सम स्टेट इम्पैक्टिंग एयर क्वालिटी एंड डिप्राइविंग कॉर्प लैंड ऑफ द न्यूट्रिएंट। सो ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। अनदर इज MIT इंजीनियर्स डेवलप बायोनिक स्पिनिच दैट कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव। स्पिनिच इज नो लॉन्गर जस्ट अ कार्टून कैरेक्टर, पोपोया सुपर फूड। MIT साइंटिस्ट हैव ट्रांसफॉर्म द लीफी प्लांट्स इंटू अ सेंसर दैट कैन डिटेक्ट एक्सप्लोसिव विद इन अ मिनट। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज फॉर द साइंस। Now, today's our legend hero is Dada Bhai Nehru Ji, who was known as the father of Indian nationalism. He was born in 1825. He was died in 1917 at the age of 91. His party name was Liberal, as well as he became the president of Congress 3 times. So this is the details about Dada Bhai Nehru Ji. He was the Parsi intellectual, educator, cotton trader, as well as social worker. He was a Liberal Party member of the Parliament in the United Kingdom, and the first Asian to become the British MP. Dada Bhai Nehru Ji is credited with the founding of Indian National Congress along with A.O. Hume, Dinesha Vachan. His book Poverty and Un-British Rule in India brought great attention regarding the drain of wealth. He was a member of Second International, and he was the part of the Second International, which was held for the development of socialism. In 1854, he also founded Gujarati fortnightly weekly that is known as Rast Goptar. Rast Goptar means truth teller for his organization, Rahnumai Majdeyasan, which was a Parsi reform organization. He became the first Indian to hold the academic position in Elphiston College in Bombay. He founded in 1867 the East India Association. In 1874, he became the Prime Minister of Baroda and was a member of Legislative Council of Mumbai. He was also the member of Indian National Congress, founded by Surendranath Banerjee. Nehruji was elected the President of Congress in 1886, and I have said you, he became the 3-time President of Congress. He was also the President in 1906. And he raised the, in 1906 session, which was held at Calcutta, he raised the issue of Swaraj. Nehruji was the member of Bal Gangadhar Tilak. He was the absolute mentor of Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale and Mahatma Gandhi. His renowned book, Poverty and British Rule in India, it caused the drain of wealth theory in India as well as abroad. Mahatma Gandhi wrote to the Nehruji regarding about his activities and all. The Indians look up to you as a children to the father, such is really the feeling here. So this was the opinion of Mahatma Gandhi regarding Dada Bhai Nehru Ji. In the real sense, Dada Bhai Nehru Ji was the father of Indian nationalism. So this is the important news of the today. I would like to say that please like, subscribe and share. This is not only for competitive exam, but I want that each and every Indians have to know about these all these informations.
So thank you very much. God bless you. God bless you, India. All the best.